कल दोपहर 3 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकसभा चुनाव की तारीखों का किया जाएगा ऐलान। दोनों नए चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार सुखबीर संधु ने संभाला कार्यभार, सीईसी राजीव कुमार ने किया स्वागत, कल ही नए चुनाव आयोग को किया गया नियुक्त। दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, नए नियुक्ति नियमों पर भी रोक लगाने से इंकार। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत बोले, दो नए चुनाव आयुक्तों से देश को कोई उम्मीद नहीं, 10 सालों से निष्पक्ष काम नहीं कर रहा चुनाव आयोग। आज से 5 दिवसीय मिशन दक्षिण भारत पर पीएम मोदी, 19 मार्च तक तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कर रहे हैं दौरा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पीएम मोदी मंच पर, पीएम मोदी का महिलाओं ने किया अभिनंदन, रैली में बड़ी संख्या में जुटे लोग। पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, कहा तमिलनाडु में बीजेपी करेगी जबरदस्त प्रदर्शन, इंडी गठबंधन की डीएमके कांग्रेस का अहंकार होगा चकनाचूर। पीएम मोदी बोले, जब जम्मू कश्मीर में पहले कुछ लोग देश तोड़ने का सपना देखते थे, जम्मू कश्मीर की जनता ने ऐसे लोगों को नकारा, अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा करने जा रहे। पीएम मोदी ने गिनाए आंकड़े, कहा बीजेपी के पास कल्याणकारी योजनाएं, इनके घोटाले की लंबी लिस्ट, डीएमके कांग्रेस तमिलनाडु को नहीं बना पाएंगी विकसित राज्य। पीएम मोदी कन्याकुमारी के बाद हैदराबाद का करेंगे दौरा, शाम 6 से 7 बजे तक हैदराबाद में 2 किलोमीटर लंबे रोड शो का होगा आयोजन। पीएम मोदी मिर्जागुड़ा से मल्लिकार्जुनगिरी तक करेंगे रोड शो, मल्लिकार्जुनगिरी में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनावी बॉन्ड डेटा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने SBI को नोटिस जारी कर बॉन्ड का नंबर बताने को कहा, SBI को 18 मार्च तक जवाब देने का समय। सुप्रीम कोर्ट ने SBI से जताई नाराजगी, कहा चुनावी बॉन्ड की खरीद डेट, खरीदार का नाम और धनराशि का मांगा था डेटा, संविधान पीठ ने फैसले में किया था स्पष्ट। कांग्रेस चीफ खड़गे बोले, सुप्रीम कोर्ट ने खोली पीएम मोदी के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की पोल, चुनावी बॉन्ड से कैसे पैसे बना रही थी बीजेपी। चुनावी बॉन्ड डेटा पर बोले जयराम रमेश, 60% चुनावी बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को मिले, ईडी सीबीआई आईटी के दुरुपयोग से कंपनियों से जुटाया चंदा। सीए पर 19 मार्च को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, कई याचिकाओं में सीए लागू करने पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर शरणार्थियों का प्रदर्शन, पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने किनारेबाजी, सीए पर इंडी गठबंधन नेताओं के बयानों का विरोध। शरणार्थियों के प्रदर्शन पर केजरीवाल की पोस्ट, लिखा इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत, पहले घुसपैठ की फिर कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए। भारत में सीए लागू होने पर अमेरिका का बयान, हम इससे चिंतित और इस पर बारीकी से रखेंगे नजर कि ये कैसे लागू किया जा रहा। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका, विधायक डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने छोड़ी पार्टी, विधानसभा से भी दिया इस्तीफा। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने ज्वाइन की आप, पंजाब के सीएम मान्य दलाई सदस्यता, साथ में खिंचवाई तस्वीर। महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने पालघर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शुरू की यात्रा। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने की मीटिंग, कांग्रेस विधायकों और नेताओं के साथ किया ब्रेकफास्ट, भाई डीके सुरेश की सीट बेंगलुरु रूरल पर की चर्चा। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस बीएसपी का गठबंधन, बीएसपी को नागर कुरनूल और हैदराबाद सीट मिली, केसीआर ने किया ऐलान। बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर FIR दर्ज, नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप। बेंगलुरु में सेक्सुअल असॉल्ट की FIR होने पर बोले बीएस येदियुरप्पा, आरोपों पर पुलिस करे जांच, महिला ने मेरे घर आकर मांगी थी मदद, मैंने उसकी मदद के लिए पुलिस कमिश्नर को किया था फोन। गायत्री प्रजापति के बेटे को अमेठी से लखनऊ लाई ईडी, अवैध खनन केस में हो रही पूछताछ अभी नहीं की गई है गिरफ्तारी। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी, देवी पाटन मंदिर में माता पाटेश्वरी देवी की पूजा की, लिया आशीर्वाद। बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन, सीएम योगी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बलरामपुर में बोले सीएम योगी, नौजवानों के भविष्य से नहीं होने देंगे खिलवाड़, जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसको चुकानी होगी कीमत। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी का संबोधन, कहा पहले इन्फेलाइटिस की चपेट में था पूरा इलाका, हमारी सरकार ने मच्छर और माफिया दोनों को किया साफ। लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद मुंबई पहुंचे पीयूष गोयल, मुंबई में कार्यकर्ताओं से मिले केंद्रीय मंत्री, रेलवे स्टेशन पर लोगों ने जमकर किया स्वागत। पीयूष गोयल ने अपनी लोकसभा क्षेत्र मुंबई नॉर्थ में लोकल ट्रेन में की यात्रा, बीजेपी नेता आशीष सेलार रहे मौजूद। कर्नाटक के हुबली पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ओबीसी मोर्चा के साथ की बैठक। अगरतला में सीएम मानिक साहा ने अगरतला चाय ऑक्शन सेंटर का किया शिलान्यास, सीएम ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को किया संबोधित। उत्तराखंड में कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए सीएम थामी, चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन, नशा मुक्ति केंद्र के उद्घाटन।
देहरादून में सीएम धामी ने नियुक्त पर्यवेक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग में मिली नौकरी। जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा को जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दूर करने के दिए निर्देश। नागपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया उद्घाटन। नागपुर में बोले आरएसएस के सह सर कार्यवाह मनमोहन वैद्य, भारत को 140 करोड़ का समाज हिंदू ही है, हमारी संस्कृति एक ही है। ममता बनर्जी की चोट पर एसएसकेएम अस्पताल का स्पष्टीकरण। किसी ने पीछे से नहीं दिया धक्का, सिरहन या चक्कर आने के चलते गिरी ममता, सिर और नाक पर लगे चार टाके। पीएम मोदी ने भूटान के पीएम का निमंत्रण किया स्वीकार, अगले हफ्ते भूटान की करेंगे यात्रा। दिल्ली में राजघाट पहुंचे भूटान के पीएम शेरिंग टोबगे। महात्मा गांधी की समाधि पर दी पुष्पांजलि। दिल्ली में नौसेना भवन का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। झारखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चतरा जिले के इटखोरी में भद्रकाली मंदिर में की पूजा, लिया मां का आशीर्वाद। नागपुर में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी, मेंटेनेंस कमांड के फील्ड कमांडर्स को किया संबोधित। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए एडवांस सेंटर का प्रस्ताव, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने दी मंजूरी। प्रेसिडेंट मुर्मू से मिले संदेश खाली में उत्पीड़न के पीड़ित, पांच महिलाओं समेत कुल 11 लोगों ने प्रेसिडेंट को बताई आप बीती। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती, आज सुबह 6 बजे से देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता हुआ। केंद्र से पहले राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल के वैट में 2% की कटौती का किया ऐलान। आज से पेट्रोल करीब 7 रुपए और डीजल करीब 6.5 रुपए तक सस्ता हुआ। पेट्रोल डीजल रेट में 2 रुपए की कमी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का तंज, कहा ये तो लूट है और बाद में 2 रुपए की टिप है। पेट्रोल डीजल रेट में कमी पर बोले जयराम रमेश, राहुल गांधी के बार बार सवाल उठाने पर कुछ सुनवाई हुई, सरकार ने चुनाव से पहले 2 रुपए घटाए। यूपी पेपर लीक कांड का एक और आरोपी गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने रंजन कुमार यादव को किया अरेस्ट, बिहार का रहने वाला है रंजन यादव। पटना में एमएलसी क्वार्टर में निर्माणाधीन मकान में शव बरामद, फ्लैट नंबर 20 में हाथ पैर बांधकर बाउंड्री वॉल से लटका मिला, पुलिस ने शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगी आग, एचएमटी इलाके में फर्नीचर फैक्ट्री में आग से भारी नुकसान, फायर ब्रिगेड ने किया काबू। इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की एएनएम मेडिकल छात्रा का शव मिलने से सनसनी, छात्रा से दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे इलाके की जांच में जुटी, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खबर फैलते ही सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र धरने पर बैठे, एसएसपी समेत पुलिस के कई अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। इटावा एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया छात्रा का शव मदर डेयरी के पास हुआ बरामद, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। एसएसपी के मुताबिक अभी किसी बात की आशंका नहीं जताई जा सकती कि दुष्कर्म हुआ है या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शव लाकर फेंका गया। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में एक डकैती में फरार चल रहे बदमाश, पुलिस ने दोनों बदमाशों पर 30,000 का रखा था इनाम, पुलिस इन बदमाशों की कर रही थी तलाश। लूट का मास्टरमाइंड था, परिवार के सदस्यों के संपर्क में, परिवार के रिश्तेदारों के यहां भी की थी बदमाशों की लूट की योजना। पुलिस के रोके जाने पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को लगी गोली, बदमाशों के पास थे 1 पिस्टल बरामद। पंजाब के लुधियाना में अपराधियों के हौसले बुलंद, गन पॉइंट पर की कार की लूट, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के गोरेगांव इलाके में फर्नीचर की कंपनी में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार, जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 24 स्कूली बच्चे बीमार, बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, स्कूल में खाना खाने के बाद बच्चों ने की उल्टी, पेट दर्द की शिकायत। मणिपुर के उखरूल में लगे भूकंप के झटके, रिस्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता। मथुरा के गोकुल के रमण रेती आश्रम में खेली गई होली, रंगों और फूलों से लोगों ने खेली हर्बल होली। एमपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, प्रेसिडेंट पुतिन के कार्यकाल को 6 साल और बढ़ाने के लिए मतदान। इसराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफा, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महबूब अब्बास ने किया नियुक्त। अमेरिका ने वेस्ट बैंक में इसराइल के 3 शेल्टर और आउटपोस्ट पर लगाया प्रतिबंध, फिलिस्तीनियों पर जमीन छोड़ने का दबाव बनाने के लिए हमला करने का आरोप। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास के खात्मे की बात दोहराई, कहा राफे में इजरायली कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करेंगे।
इजरायली सैन्य अफसरों के साथ बातचीत में पीएम नेतन्याहू ने किया साफ, हमास के बचे हुए लड़ाकों के खात्मे का अभियान पूरा किया जाएगा। गाजा के राफे में इजरायली वायुसेना ने की बमबारी, एक महिला सहित दो लोगों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इमारत को बनाया निशाना, इमारत के मलबे से निकाले गए घायलों को अस्पताल भेजा गया। इजरायली सेना की लोटार आतंकवाद रोधी यूनिट का गाजा में एक्शन, हमास के चुने हुए ठिकानों पर किया हमला। इजरायली सेना ने लोटार यूनिट की कार्रवाई का वीडियो किया जारी, हमास लड़ाकों के साथ आमने सामने की लड़ाई करते दिखे इजरायली सैनिक। इजरायली सेना के मुताबिक लोटार यूनिट ने हमास के छिपने की जगहों को बनाया था निशाना, रिहायशी इलाकों में हमास ने बनाया ठिकाना। दक्षिण इसराइल में एक शख्स पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स पुलिस ने आतंकवादी हमला करार दिया। इसराइल के केरम शालोम बॉर्डर से गाजा में राहत सामग्रियों से भरे ट्रक का आना शुरू हुआ। इसराइल ने कहा राहत सामग्री लाने की सीमा तय नहीं है।